आए रोहित आएंगे सर आप लोग भी आ जाइए। ले लिया मैंने फोन चल रहा मैं सुगम शिवरे अखिल भारतीय वैश्य महासभा संगठन के द्वारा आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पर हम लोग ने फल वितरण किया है और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो गांधी जी ने हमारे देश के लिए देश आज़ाद कराया है गांधी जी के मेहनत से देश आज़ाद हुआ है और उसको आज हम लोग जयंती के रूप में मना रहे हैं गांधी जी। बच्चों का तो घिमे लाए लो बेटा लो। अरे सीरियस दिए चला कोई छोड़ो लिख लेते यार सब लोग शास्त्री जी शास्त्री जी शास्त्री जी हम लोगों ने सब लोगों से अलग अलग पूछा गांधी जी के। अभी सर ये पूछना चाहूँगा जो हमारे जो पूर्वज हैं गांधी जी हैं सुभाष चंद्र बोस हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं जिन लोगों ने देश के लिए इतना कुछ करा उसको स्कूलों में बच्चों को आज नॉलेज नहीं है जानकारी नहीं है इसके लिए हम लोगों का क्या प्रयास होना चाहिए जिससे उन लोगों को हमारे पूर्वजों के बारे में जो अपने देश के स्वतंत्रता में शामिल रहे कैसे जानकारी दी जाए। मैं इसके लिए रघुवंश प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से और यहाँ के जो टीचर हैं उनसे आग्रह करूँगा कि बच्चों को अपने किसी भी पीरियड में एक जानकारी जरूर दिया जाए जो जिन्होंने देश को आज़ाद कराया जिन्होंने अपना योगदान दिया बलिदान दिया जिसमें गांधी जी हैं सुभाष चंद्र बोस हैं लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और भी जो अन्य लोग हैं उन सब के बारे में जानकारी दी जाए बच्चों को जिससे आने वाले समय में इनको उस चीज़ की नॉलेज हो क्योंकि आज की तारीख में हम लोग जब बच्चों से मिलते हैं तो उनको ये जानकारी नहीं होती है। आज किसी भी स्कूल में अभी हम देख रहे हैं जहां हम लोग खड़े हुए हैं वहीं भी किसी भी हमारे भारत की मान भूपतियाँ उनमें किसी का भी एक चित्र नहीं है जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पूरे कॉलेज में प्रिंसिपल रूम में टीचर रूम में ये दिखता था कि कम से कम हमारे बात करके बुला जो मान नेतागण जो रहे स्वतंत्रता सेनानी रहे उनको हम देख सकते थे बच्चे पूछते थे कि ये किन का फोटो है ये सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो है जिन्हें स्वतंत्रता मिला आज क्यों नहीं है ये चीज़ें कुछ समय से हम देख रहे हैं ना तो विद्यालयों में मिलेंगी ना किसी शास्त्री कार्यालय में मिलती हैं ये जबकि विद्यालयों में शास्त्री जी की मूर्ति महात्मा गांधी जी की मूर्ति और भी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सब की मूर्तियाँ क्लासरूम में और प्लस उनके प्रधानाचार्य हॉल में या प्रधानाचार्य के रूम में मिलती थी लेकिन आज इन चीज़ों को हम बिल्कुल कहीं भी किसी क्षेत्र में नहीं देखने को मिलती हैं। हम प्रधानाचार्य महोदय से इसके लिए आग्रह भी करेंगे और निवेदन करेंगे कि वो इन महात्मा गांधी जी की मूर्ति जो राष्ट्रपिता जिनको पूरी दुनिया याद करती है आज उनकी मूर्ति को हमें देखने को लिए या बच्चों के लिए उस मूर्ति को कार्यालय में लगाने का और विद्यालय में लगाने का प्रयत्न करें अगर वो मूर्ति उनके पास ना हो तो हम उसको अवेलेबल कराने की व्यवस्था करेंगे।